हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट घर पे नहीं है, जिसके भी घर पे, वैसे तो ऑलमोस्ट आजकल सबके घर में होता है, पर जिसके पास नहीं है तो वो कैसे एक फ्रोती कॉफ़ी बना सकता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अब हम कॉफ़ी बनाने की ओर। तो चलो हम कॉफ़ी बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये एक खाली बॉटल। तो ये मेरी अमूल कूल की खाली बॉटल है। पानी की जो छोटी बॉटल्स होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेंगे एक चम्मच कॉफ़ी का। मैंने नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डाल लेंगे कॉफ़ी। अब इसमें डालेंगे ये वाले दो चम्मच, सॉरी चार चम्मच, ये वन, ये टू, ये थ्री एंड दिस इज फोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। ये देखिए, ये आप इसको ध्यान से बॉटल को देखो। तो हमने जो वाटर ऐड करना है ये ल्यूक वार्म वाटर है, हल्का सा गर्म। जो हमारा ये आपको चीनी का लेवल दिख रहा है, यहाँ तक हमने पानी डालना है, बहुत स्लोली। ये देखिए, ये डालते वक्त ये ध्यान रखना है, ये आपको नज़र आएगा कि नहीं डाला है और उस वक्त एकदम से ये भर जाएगी। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। ऐसे बंद करके बस इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको शेक करना है ऐसे। इसको हमने इस तरह से शेक करना है कम से कम 15 से लेकर 20 मिनट तक। ये देखिए, ये मैंने अभी इसको सिर्फ 5 मिनट शेक किया है। तो 5 मिनट्स के बाद ये देखिए, ये इतनी हो चुकी है। ये देखो अंदर, इसके अंदर इतना फ्रोथ बन चुका है। तो अभी हम इसको 5 टू 10 मिनट्स अभी इसको और शेक करेंगे, जब तक कि इसका ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर अभी शुगर भी है, ध्यान से देखिए 5 मिनट्स में। तो अभी इसको हम और शेक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए, ये अब इसका कलर बिल्कुल से चेंज हो चुका है। जो ये कॉफ़ी ब्राउन कलर की थी, अभी डार्क कलर में थी, तो अब ये वाइट हो चुकी है। अब इसमें खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, लुक एट दिस, ये पूरी क्रीमी है। और इसकी ये पीक अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखिए, इसकी पीक बन चुकी है ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी है। तो अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो है फूड प्रोसेसर में कॉफ़ी कैसे बीट करते हैं। इसको हम बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अब अपना फूड प्रोसेसर ले लिया है। तो फूड प्रोसेसर का ये जो ब्लेड होता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला ब्लेड, इससे हम कॉफ़ी बीट करेंगे। इसको मैंने इसमें रख दिया है। तो हम वही प्रोसीजर, वही चीज़ इसमें भी मैं डालूंगी। 4 ये टीस्पून, 1, 2, 3, 4 टीस्पून नहीं, सॉरी, ये टेबलस्पून है, टेबलस्पून के इक्वल आता है इसमें। कॉफ़ी इसमें ले ली है जितनी हमने उसमें ली थी।
हैंड बीटर में, उसको मैं हैंड बीटर ही कहूंगी। इसमें भी हम डालेंगे पानी एक चम्मच, ये वाला। आप जो भी चम्मच ले आप उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, मैंने ये वाला मेजरमेंट ली है। तो इसमें हम वन जितनी कॉफी हो ना उतना ही पानी डालेंगे। कॉफी बीट हो रही है अभी, मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा पानी कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये देखिए हमारी कॉफी जो है बीट हो चुकी है, सारा इसमें वाइट कलर की हो गई है। मैं भी आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए क्या, अब हम इसको कप में डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए अभी मैंने ये दूध ले लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। तो अगर आप भी फुल फैट मिल्क यूज़ करेंगे तो कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमें क्रीम वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। ये देखिए अब मेरा दूध जो है वो पूरा उबल चुका है, मैंने जो गैस है वो सिम कर दिया। अभी हम कप्स में, ये मेरे कप्स रेडी हैं, अब मैं इसमें कॉफ़ी पोर करूंगी। मैं इस कप में कॉफ़ी पोर करूंगी। ये मैंने कॉफ़ी डाल दी है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और अब हम जो हमने बॉटल तैयार की थी ये वाली, तो इसको मैंने अब डालने से पहले भी थोड़ी देर ऐसे शेक कर लेना है। तो ये एक्चुअली मैं ये आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर अब हम ऐसे भी बनाएं तो कॉफ़ी के टेस्ट में, टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए ये शेक किया मैंने, ये ऊपर तक फुल हो गई इसको भी मैंने, बट इसके कलर में थोड़ा सा फ़र्क होगा। ये जो हमने ये लिया था मटेरियल, हमने एक जो स्पून था वो कॉफ़ी का डाला था, तो इससे हम चार कप कॉफ़ी बना सकते हैं। और सेम ही मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया था उसके भी हम चार कप कॉफ़ी के बना सकते हैं। तो अब हमारा जो ये दूध है वो रेडी है, जो दूध है उसको मैं एक बार, इस दूध को हम एक बार ग्लास से फेंट लेंगे ताकि अच्छी सी ऊपर वह फ्रोथ आए और दूध थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। अगर हम 100 डिग्री जो सेल्सियस से अगर हम कम टेम्परेचर का दूध लेते हैं तो उसमें फ्रोथ अच्छी आती है। इसको मैंने ये दो तीन बार फेंट लिया ताकि ये 100 डिग्री से कम पे आ जाए। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मैं दूध डाल रही हूँ, कॉफ़ी ऊपर आ रही है इसमें भी, तो आप फ़र्क देख ही सकते हैं। जो मैंने ट्रिक आपको बोला था कि आप जैसे मर्जी कॉफ़ी बनाएं, चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दूध डालती जा रही हूँ, जो उसकी झाग है वो ऊपर आती जा रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ, ये देखिए आप कितनी झाग बनी है इसके ऊपर। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे कॉफ़ी को, ये देखिए मिक्स करने पर भी जो इसकी फ्रोथ है वो नीचे नहीं जा रही। ये थी हमने जो फूड प्रोसेसर में कॉफ़ी बनाई थी, और ये कॉफ़ी है जो हमने इस हैंड ब्लेंडर से हैंड से बनाई थी, हाथों से, हाथों का कमाल है। ये देखिए इसमें भी उतनी ही झाग है जितनी उसमें है,
ठीक है। तो हम इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इसमें। ये मैंने ये थोड़ी सी कॉफ़ी ले ली है। मैंने क्या किया, जो हमारी ये बॉटल में कॉफ़ी थी इसको मैंने थोड़ा सा डाल लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी और ऐड कर ली है, कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा इसको डार्क कलर देने के लिए। तो और एक टूथपिक ले ली है मैंने, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे जो भी आप डिज़ाइन देना चाहो देखिए। झाग उसमें इतनी है, इसको भी इसी तरह से इसको भी हम थोड़ा और कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से कोको पाउडर, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। तो ये देखिए अब हमारी जो कॉफ़ी है वो बन के रेडी है पीने के लिए, बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये है जो जिसमें हार्ट शेप बना हुआ है, ये है हमारी फूड प्रोसेसर की बनी हुई कॉफ़ी, और ये है हमारी जो हमने बॉटल में हैंड शेक से बनाई थी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट रेसिपी।